आपने मेरी स्त्री बगैर पूछे क्यों इस्तेमाल की? चलो भाई, यहाँ तो आते ही मेरा तेरा शुरू कर दिया इसने। बहन, यहाँ पर जो चीज है ना सबकी है, कोई मेरा तेरा नहीं है। बेटा, आज अजरा ने इसको ये कहा है कि चार चीजें लेकर आई हो, और ये कोई तरीका है कि फरहत के आने से पहले ही अजरा उसकी चीजें इस्तेमाल कर रही है? आसिफ बेटा, फरहत तुम्हारी बीवी है और तुम्हें चाहिए कि जब इसे कोई कुछ कहे तो तुम जवाब दो, ना कि सर झुकाए बैठे रहो। बेटा, अभी कल रात हॉल के करीब जिस लड़की का एक्सीडेंट हुआ था वो रामीन थी। अस्सलाम वालेकुम बाजी, क्या हाल है? वालेकुम सलाम, आओ शहनाज, आओ बैठो। आप तो शादी के बाद दिखाई नहीं दी। तो मैंने सोचा मैं ही मिलके आ जाऊं। अच्छा ये बताइए, शादी की थकन उतरी या नहीं? शादी की थकन तो एक तरह, ये जो पुलिस और थाने का चक्कर पड़ गया ना, ये मेरे जहन से नहीं उतर रहा। परेशान मत हो, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। अच्छा नहीं, बहू के बारे में तो बताएं, कैसी है? मिलनसार है या नकचढ़ी है? मिलनसार है या नहीं तो तब पता चलेगा जब घर के काम काज करना शुरू करेगी सबके साथ मिलके। अभी तो मैंने किसी काम का कहा ही नहीं उसे। अच्छा है काम, दिखाई नहीं दे रही। भाई फरहत और वासिफ दोनों गए हैं उसके अम्मी अब्बू के यहाँ, वो लोग कनाडा जा रहे हैं ना, तो इन दोनों ने जाना है एयरपोर्ट छोड़ने के लिए। तो बाकी दोनों कहाँ? अपने अपने कमरों में होंगी, और कहाँ होना। लाइए एक पान, मैं ही बना दूं आपको आज। खुश रहो। देखो बेटा, वासिफ मेरा दामाद नहीं बेटा है, खुश रखना उसे। ओके जी, आ गई आप? आप तमाम पासपोर्ट टिकट्स डॉक्यूमेंट्स ले आई ना? हाँ जी, मैंने सब संभाल लिए हैं। कुछ भूला तो नहीं? बेटा नूरा का फोन तुम्हें मैंने दे दिया है ना, जब तुम फ्री हो तो सफाई कर। जी अम्मी। अंकल मैंने आपका सामान रख दिया। थैंक यू सो मच बेटा, गॉड ब्लेस यू। अबू आप वापस कब आएंगे? आपकी ये आंखों में आंसू क्यों है बेटा? बहुत जल्दी वापस आ जाएंगे, आप बस दुआ करें कि आपकी फुफो जल्दी सेहतियाब हो जाए। वो जैसे ही रिकवर करेंगी हम अपने बेटे के पास वापस आ जाएंगे। ओके, खुशी खुशी जाने दो अम्मी अबू को। हाँ अंकल, गाड़ी में बैठे, मैं इसको लेकर आता हूँ। ओके बेटा। ओके अम्मी, चल मेरा बच्चा। थैंक यू। क्या हो गया तुम्हें? कुछ ही अरसे की तो बात है, वापस आ जाएंगे, हमें होना तुम्हारे साथ। रोना बंद करो। अच्छा चलो वेट कर रहे हैं। कितनी देर हो गई वासिफ और फरहत को गए हुए, अभी तक नहीं आए। और बड़ी भी ने एक फोन करके नहीं पूछा कि भाई कहाँ रह गए, वरना जब मेरी नई नई शादी हुई थी ना, अगर एक मिनट भी इधर से उधर होता था ना, इनके फोन पे फोन आने शुरू हो जाते थे, कहाँ रह गए कहाँ रह गए कहाँ रह गए। हो सकता है जहाज उड़ने में भी वक्त हो। अरे भैया, क्या कनाडा तक जहाज को उतरते हुए देखेगी? भाई एयरपोर्ट छोड़ने गई थी अम्मा अब्बा को, छोड़ दिया, अब वापस आ जाए। ऐसे मैं देख रही हूँ तुम बड़ी वकालत करती हो उस फरहत की। नहीं भाभी, मैं तो बस ऐसी एक बात कर रही थी। वैसे ना अब हमारी सास को चाहिए कि फरहत का भी ना एक दिन मुकर्रर कर दें काम का, क्या हम दोनों ही अपने हाथ घिसते रहेंगे? ठीक कह रही हूँ कि नहीं? लेकिन अभी नई नई शादी हुई है ना, आप और मैं कर रहे हैं काम, कुछ दिन और कर लेंगे, और फिर आखिर में तो उसको घर के कामों में हाथ तो बटाना ही पड़ेगा ना। भैया तुमको तो बड़ा ही शौक है काम करने का, एक काम करो मेरे भी हिस्से का काम तुम ही कर लिया करो। है Thank you.
अब ठीक हो तुम? असल में आज से पहले कभी अम्मी अबू इतनी दूर गए नहीं है ना, बस इसीलिए थोड़ा इमोशनल हो गई थी। और वो करके आ गए। थैंक यू तुम मुझे यहाँ ले आए, वाकई में अब मेरा मूड बहुत अच्छा हो गया। चलो तुम्हारा मूड और अच्छा करो। सुड़सुड़ करके चाय मत पिया करो, बड़ी कोफ्त होती है मुझे। हाँ लो रख देती। अजरा ये तुम्हारी छोटी देवरानी कहाँ है? मैं तो एक दफा भी नहीं मिली अब तक उससे। अरे भाई उनके पैर घर में टिके हैं तो तुम मिलोगी ना उनसे, वो तो उड़ उड़ के अपनी अम्मा के यहाँ पहुंच जाती हैं। लेकिन शुक्र है आज उनके घर वाले जो है ना कैनेडा जा रहे हैं, अपने अम्मा अब्बा को छोड़ने गई है एयरपोर्ट। लग रहा है कि धक्का लगाते हुए ना जहाज के साथ निकल गई है, अब तक नहीं पहुंची देखो जरा। ए बहन वैसे मैं एक बात बताऊं, मैं तो उसी दिन पहचान गई थी, बहुत तेज लड़की है ये। ए मैं तुम्हारी सास को लिफाफा देने के लिए स्टेज पे चढ़ी, मैंने इससे बात करने की कोशिश भी करी पर इसने तो मुझे एक नजर नहीं देखा। ऐसे गुरूर का टीका माथे पे चिपकाए बैठी थी जैसे दुनिया की बड़ी हसीन तरीन लड़की हो। ए बहन एक बात सुनो, तुम्हें शादी का बुलावा मैंने दिया था तो तुमने लिफाफा किस खुशी में मेरी सास के हाथ में टिकाया है? तुम्हें भी ना बड़ा शौक है घुसने का हर एक के अंदर। बहुत अच्छा किया जो मुंह नहीं लगाया उसने तुम्हें, तुम हो इसी काबिल। चलाक औरत। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भैया के अम्मा अब्बा के जहाज से लटक के तुम भी कनाडा निकल गई थी जो इतनी देर लगा दी आने में? भाभी फरत थोड़ा डिप्रेस फील कर रही थी तो उसे समंदर ले गया था। डिप्रेशन? इस घर में जो है ना सभी डिप्रेशन के मरीज हैं, जो भी यहाँ आता है उसको डिप्रेशन हो ही जाता है। जब मेरी शादी हुई थी ना मैं नई नई आई थी इस घर में, तब मुझे भी ऐसी डिप्रेशन के दौरे पड़ते थे लेकिन फिर आदत पड़ गई। अब तुम भी आदत डाल लो इस डिप्रेशन के साथ रहने की। तुम दुकान पे क्यों नहीं गए अब तक? इसे छोड़ने आया था, अभी जाऊंगा दुकान। तो अब छोड़ दिया ना, अब जाओ, आधा दिन तो यहीं गुजार दिया तुमने। देखा कैसे चुपचाप मुंह लटका कर चली गई मेरे आगे,
हिम्मत नहीं है मुझे कुछ बोलने की। ऐसा सीधा किया ना मैंने पहले ही दिन इसको, अपने तेवर दिखा दिए, अब सारी उम्र सीधी ही रहेगी मेरे सामने। खैर ऐसी लड़कियों को तो सीधा ही रखना चाहिए। हाँ तुम मुझे जरा ये बताओ कि इस खुशी में तुमने मेरी सास के हाथ में लिफाफा टिकाया? बहन तू मुझे माफ कर दे, जान दस दे मेरी, पीछे ही लग गई तू तो। कितने पैसे थे उसमें? 500 रुपए दिए थे। 500 बोल रही थी, यकीनन तूने 200 डाले होंगे। मैंने क्या करना था 200 रुपए का, अब तो एक बोतल भी नहीं आती 200 की। चाय गिर गई तेरी घबराहट में। फरत मेरी शलवार कमीज निकाल दो, मुझे दुकान जाना है, बहुत लेट हो गया हूँ मैं। वासिफ मेरी बात सुनो, तुम्हें क्या जरूरत थी अजरा भाभी के सामने ये बोलने की कि हम समंदर गए? अब तुम्हें पता है अगले 2 दिन तक इसी बात पर ताने देती रहेंगी मुझे। तुम्हें पता नहीं है उनको मौका चाहिए होता है, एहसास नहीं है तुम्हें इस बात का? इस घर में इंसान कितने ही अच्छे मूड में क्यों ना आए, बर्बाद हो जाता है। ठीक कह रही हो तुम, मुझे कुछ और बोलना चाहिए था। किसी किस्म का कोई एहसास ही नहीं है। इसलिए की थी शादी, हाँ ठीक है, मैं जमाल को कह दूंगा, वो आपको फोन कर लेगा। हाँ वो असल में घर में वो शादी चल रही थी ना, इस वजह से देर हो गई। नहीं नहीं इंशाल्लाह बस एक हफ्ते में सब हो जाएगा। जी जी ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी खुदा हाफिज, खुदा हाफिज। हाँ बेटा अपने सास ससुर को छोड़ आए एयरपोर्ट? जी अबू। देखो तुम्हारे ससुर जो है ना वो इंतहाई शरीफ आदमी, उनका कोई बेटा भी नहीं है, तो तुम्हें उनका बेटा बन के रहना है, कभी जिंदगी में दामाद बन के नखरे मत दिखाना। अगर वो तुम्हारा लिहाज भी करें तो तुम खुद कहना कि अंकल मुझे बताइए कोई काम, मैं मुझे बेटा समझ के बताइए। अच्छा जमाल और नसीर जो हैं ये 2 दिन कारखाने में रहेंगे, तुम्हें दुकान को संभालना होगा। पहले तो मैं सोच रहा था कि तुम्हें और वलीद को अलग दुकान करवा दूं, लेकिन जमाल और नसीर का कहना भी ठीक है कि पहले यहीं काम करने दिया जाए। ठीक है ठीक। अच्छा जाओ देखो कस्टमर को देखो। जी अशफाक ये वासिफ को डील करने दो। बात सुने ये आप वासिफ को क्यों नहीं कहते कि टाइम पे दुकान पर जाया करे? हैं अब देखें एयरपोर्ट गया था अपनी सास को छोड़ने के लिए, 5 घंटे बाद आया है। मैंने उससे पूछा कहाँ गए थे इतनी देर तक, तो कह रहे साहिल समंदर चले गए थे। वाह ये अच्छी बात हुई है, दिन रात मेहनत करो दुकान पे तुम, घर में चक्की आटा करूं मैं है और साहिल समंदर के मजे लूटे ये। भाई तुम्हारे घर वाले ना बड़े अय्याश हैं कसम से। अरे सुन रहे हो मैं क्या कह रही हूँ? हाँ सुन लिया मैंने, दुकान जाऊंगा अगर वो देर से आएगा तो कह दूंगा भाई जल्दी आया करो। नहीं तो तुम्हारे अब्बू क्यों नहीं कहते यही बात वासिफ को? हैं तुम कह देना अब्बू से, मैं तो नहीं कह सकता। मुझे भी साहिल समंदर पे लेके चलें। फरत मैंने कुछ लिफाफे दिए थे वलीमे वाले दिन, वो कहाँ रखे? वो मैंने अब्बू को देने। क्यों अब्बू रखेंगे वो पैसे? जाहिर सी बात है शादी में खर्चा अब्बू ने किया तो अब्बू ही रखेंगे ना, और खानदान में लेन देन के मामला भी अब्बू देखते हैं, तो अब्बू ने लिखना होगा डायरी में किसने कितने पैसे दिए। और हमारे हनीमून का क्या, वो भी तुम अब्बू से पैसे लेकर जाओगे? अभी मैंने शॉप जाना स्टार्ट किए,
जैसे महीने के पैसे बढ़ेंगे तो जमा करके तुम्हें ले जाऊंगा। पता तुम्हारी वजह से मेरा एक सूट पहनने को रह गया। क्यों? मैं तुम्हें कहा था उसका दुपट्टा पीको करवा लो। हर किसी के काम करते हो लेकिन जब मेरी बारी आती है तो गायब हो जाते हो। तुम्हें तो बस बहाना चाहिए किसी भी बात का ब्लेम मुझ पर डालने के लिए। तुम्हें पता है ना कितनी टेंशन में शादी हुई है और तुम्हें अपने सूट की पड़ गई है। वलीद लड़का कॉल करके परेशान कर रहा है। तो ब्लॉक कर दो। मैंने किया था ब्लॉक दो दफा लेकिन अलग अलग नंबर से कॉल किया जा रहा है। क्या कह रहे? फजूल बातें कर रहा है। कह रहा है कि बहुत पसंद करता हूँ तुम्हें, मिल लो मुझसे एक दफा। ब्लॉक कर दो यार दोबारा से उसको। बस कर भी क्या सकता, अपनी बगैर फिल्टर की पिक्चर भेज दो, मैसेज नहीं आएगा दोबारा। और कोई मशवरा? जी अम्मी, बुलाया आपने? हाँ, ये बात सिर्फ लिफाफे देकर गया है मुझे। मैं बोलती जाती हूँ और तुम लिखती जाओ। अच्छा। हमीद भाई 2000, जुबैदा आता। अरे लिफाफे खुल रहे हैं। लिख लिया जुबैदा आपा 1000। ये क्या, जुबैदा आपा ने 1000 दिए खाली? हाँ। आपने तो इनके बेटे की शादी में 3000 दिए थे। उनका एक ही एक बेटा है और फिर उन्होंने जमाल की शादी पर दिए, नसीर की शादी पर दिए और अब वासिफ की शादी पर। हाँ, कल्लन चचा 1000 रुपए खाली। इनकी बेगम तो बड़ा भर के घूमती है, जेवर अपने ऊपर है, असली भी होता है सोने का, ही ऐसी नकली जेवर होता है। इतना सोना है, कम से कम 5000 देने चाहिए थे इनको। इतना मुश्किल नाम किसका है ये? सनोबर। ये सनोबर कौन है? ये परवीन जो है मोहल्ले में, उसकी बेटी। 1000 रुपए भला बताएं, आपने इसकी बेटी की सालगिरह पर 1500 रुपए दिए थे और ये 1000 रुपए पे टरखा गई। आप ये ना लुटाती फिरती है बस पैसे। पकड़े गुलशन आरा। ₹500। अम्मी याद आया, उसने ना मेरे 500 रुपए देने, तो ये मैं रख लेती हूँ। ठीक है, ये पकड़े। अजरा क्या हुआ, रखने देना। हाय लो, हाली लिफाफा, ये किसने दिया है? देखो अम्मी, मूवी में चेक करेंगे इस कलर का लिफाफा किसने दिया था। गलती से आ गया होगा भाभी। ऐसी गलतियां नहीं होती लोगों से, जानबूझ के करते हैं चलाक।
देख रही है किस तरह जबान चला रही है, मुस्तकी यही किए जा रही है, कहां से उठाकर लाई अपनी ये बहू आप? अरे मैं तो पहले दिन ही देखते ही समझ गई थी ये और इसकी माँ बहुत ही चलाक और मक्कार औरतें हैं। मैंने अभी आपको कहा था कि मेरे माँ बाप पर मत जाइएगा। अरे जाऊंगी, तेरी माँ पे भी जाऊंगी, बाप पे भी जाऊंगी, मामू खाला चाची नाना दादा दादी पप्पा आलू सारे खानदान पे जाऊंगी। किसी ने सिखाई नहीं। क्या हुआ, क्या सोच रही? भाभी बस अम्मी अबू को याद कर रही थी। पुराने रिश्तों को दूर छोड़कर नए रिश्तों को अपनाने में कुछ तो वक्त लगता है ना। भाभी वैसे कभी आपके अपने अब्बू को नहीं देखा, कहाँ होते हैं वो? अब्बू का तो बहुत पहले ही इंतकाल हो गया। अम्मी है और हम दो बहन भाई हैं। अम्मी ने बहुत मेहनत से पाला है हम दोनों का। फिर भाई का ट्रांसफर लाहौर हो गया तो अम्मी और भाभी को लेकर वहीं चले गए, इसीलिए तो शादी पे भी नहीं आ सके। अस्मा, चाय तुमने बनाई थी? नहीं नहीं भाभी, मैंने बनाई थी वासिफ के लिए। बीबी तुम्हें किसने कहा था कि तुम किचन में घुस जाओ जाके? अस्मा से कहती थी ये बना देती चाय। भाभी अब इतने से काम के लिए मैं क्यों कहती इनको, इसलिए खुद ही बना ली चाय। अच्छा अगर चाय बना ही ली थी तो बर्तन तो धो के रखती ना, सारी पतीली और बर्तन गंदे पड़े हुए हैं, वो तुम्हारा बाबा क्या धोएगा? आपको कोई तमीज है किसी से बात करने की? और आज के बाद मेरे माँ बाप को कुछ भी बोला ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। एक बार नहीं हजार बार बोलूंगी, क्या कर लोगी तुम? बर्तन तुम्हारा बाप धोएगा, बर्तन तुम्हारा बाप धोएगा। बोलो जाए यहाँ से, मेरा दिमाग नहीं खराब करे। देख रही हो तुम कैसी जबान चला रही है मेरे साथ? जबान मैं चला रही हूँ? बदतमीजी तो आपकी चली जा रही है। मैं बदतमीजी कर रही हूँ? हाँ बदतमीजी कर रही हूँ मैं? नहीं कर रही क्या? अरे हटो, मैं बताती हूँ बदतमीजी आखिर कहते किसे है। बड़ी आई तमीज की उस्तानी। मैं भी चाहूँ ना तो बदतमीजी से जवाब दे सकती हूँ आपको, लेकिन लिहाज कर रही हूँ आपका। इसका मतलब ये नहीं है कि जो दिल में आएगा बोलती जाएंगी आप। अच्छा ये लिहाज कर रही हो, तुम्हारे खानदान में से लिहाज करना कहते हैं? बड़ी आई लिहाज करने वाली। क्या हो गया? अच्छा मेरी चीख की आवाज आपको आ गई, और ये जो राग अलाप रही है इसकी आवाज सुनाई नहीं दी आपको? अरे मैंने महारानी से सिर्फ इतना कह दिया कि अगर चाय बनाई थी तो बर्तन धो के रखती, बस इसी पे आग बगुला हो रही है। बताओ जरा इसमें इसके अलावा मैंने कुछ कहा था इसको? अजरा भाभी आप कमरे में चले, बर्तन मैं धो दूंगी। अरे हटो पीछे। नहीं 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 अस्मा भाभी, अब आप बताएं पूरी बात कि क्या कहा था इन्होंने। अरे उसके पीछे क्या पड़ी है, तू बता दे। तू तलाक से बात मत करे मुझसे, देख रही है आप कैसी बदतमीजी कर रही है। इंसान तमीज से भी तो बात कर सकता है, लेकिन नहीं, ये कह रही है कि तुम्हारा बाप आएगा बर्तन धोने के लिए। हाँ तो मुझे बता दो ना कि फिर बर्तन कौन धोएगा? अरे ऐसे चमका के गई थी मैं बावर्ची खाने को, वापस आई हूँ तो सड़ा पड़ा मिला है मुझे। इस पुआ को काम पे लगाए ताकि इसको भी पता चले कि काम किस तरह किया जाता है। इस तरह तो जाहिल औरतें भी नहीं करती हैं। देख रही है किस तरह जबान चला रही है, मुस्तकी यही किए जा रही है, कहाँ से उठाकर लाई अपनी ये बहू आप? अरे मैं तो पहले दिन ही देखते ही समझ गई थी ये और इसकी माँ बहुत ही चलाक और मक्कार औरतें हैं। मैंने अभी आपको कहा था कि मेरे माँ बाप पर मत जाइएगा। अरे जाऊंगी, तेरी माँ पे भी जाऊंगी, बाप पे भी जाऊंगी, मामू खाला चाची नाना दादा दादी पप्पा आलू सारे खानदान पे जाऊंगी। किसी ने सिखाई नहीं। बस कर तू। अरे तुम जाओ अंदर कमरे में, मैं देख लूंगी। जाहिर, अरे आपने क्या बात करनी है, बाद में कुछ भी नहीं करना है। और तुम चलो चल के किचन साफ करो, बोल रही ना बर्तन मैं धो दूंगी, धो आके। बोलो क्यों बुला रही थी? इतनी देर क्यों लग गई? लड़ाई चल रही थी यार घर में। किसकी? अजरा भाभी और फरहत भाभी की। किस बात पे?
मुझे नहीं पता, तुम बताओ मुझे क्यों बुलाया। यार मुझे इस लड़के ने बहुत परेशान करके रखा है, बार बार नंबर्स बदल के कॉल किए जा रहे, पता नहीं कितने नंबर्स हैं इसके पास। मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि इसको मैसेज करो और उससे मिलो, तुम्हारी जगह मैं जाऊंगा उसकी हड्डी बस नहीं करूंगा। करो मैसेज, अब टाइम डिसाइड हो तो बता देना। हेलो, हाँ कैसी हो यार? तुम तो बहुत ही बेवफा हो, शादी के बाद तुमने एक बार भी कॉल नहीं की। अरे यार, इस घर के झमेलों से फुर्सत मिले तो तुम्हें फोन करूँ ना, अभी भी मैं इतना गुस्से में बैठी हूँ क्या बताऊँ। लेकिन हुआ क्या है यार? अज़रा भाभी तो तुम्हारी और मेरी सोच से ज्यादा बदतमीज निकली, इतना लड़ रही थी अभी भी मुझसे वो। अच्छा, लेकिन प्रॉब्लम क्या है? वासिफ के लिए चाय बनाई थी मैंने, भगोना नहीं धोया, उस पे उन्होंने पूरा घर सर पे उठा लिया। इतनी बदतमीजी की है उन्होंने, क्या बताऊं। तो तुम्हारी सास ने कुछ नहीं कहा? अज़रा भाभी तो उनके सामने भी इतना चिल्ला रही थी कि बस, तनी किन लोगों में फंस गई मैं। अच्छा, मैं शॉपिंग पे आई हुई थी, ऐसा करो तुम भी यहाँ आ जाओ ना, कहीं बैठ कर बात कर लेते हैं। पागल हो गई हो क्या, ऐसी मुंह उठाकर आ जाऊं क्या? मेरा घर नहीं है, ससुराल है। वासिफ से पूछना पड़ेगा, सास से पूछना पड़ेगा। पहले से प्लान बता दिया करो तो फिर आ जाया करूंगी, ऐसे नहीं आ सकती। हाँ ये बात भी है, चलो ठीक है, मैं शॉपिंग के लिए आई थी, मैंने सोचा तुम्हें भी कॉल कर लूं। चलो अपना ख्याल रखना, अल्लाह हाफिज़। हाँ ओके, अल्लाह हाफिज़। अस्मा, मेरा ख्याल है कि तुम फरहत को बुला कर लाओ। थोड़ी देर ठहर जाए ना अम्मी, अभी तो गुस्से में गई है, थोड़ा गुस्सा ठंडा हो जाए। देखो अस्मा, उसको समझाना बहुत जरूरी है, ये ना हो कि वो वासिफ को बता दे और फिर वासिफ गुस्से में आके अज़रा के मुंह लगेगा। तो फरहत को समझाने से क्या होगा, फरहत नहीं बताएगी तो अज़रा भाभी खुद ढूंढोरा पीटने लगेंगी कि फरहत ने उनसे बदतमीजी की है। फरहत ने बिना अज़रा को ऐसे भरपूर जवाब दिए, इसकी तबीयत भी अज़रा जैसी लग रही है मुझे तो। बहरहाल ये जो तरीका है ना कि लड़ झगड़ के मुंह सुजा के कमरे में बंद हो जाना, ऐसी आदत नहीं इसे पड़नी चाहिए, ये तो अज़रा वाली आदतें हैं। अभी खाना बन जाए फिर बुलाती हूँ, यूं अलग से बुलाना सही नहीं है अभी। ठीक है, शायद तुम ठीक ही कह रही हो। देखा तुमने कैसे जवाब देके पांव पटक के चली गई कमरे में,
अरे अब पता चलेगा बड़ी बी को, असल बहू तो अब नाजिल हुई है उनके सर के ऊपर। हाँ बात सुनो भाई, कह देना सुरली को जिस दिन मेरे काम का दिन हो ना, उस दिन अगर वो मुझे बावर्ची खाने में नजर आई तो मैं टांगे तोड़ दूंगी उसकी। अब बस भी करे ना इस बात को भाभी, मुझे कह देती मैं धो देती। अभी नई नई आई है, थोड़ा वक्त तो लगेगा ना एडजस्ट करने में। ओ बहन, अभी एडजस्ट नहीं हुई है तो ये हाल है उसके, मुंह भर भर के जवाब दे रही है। जिस दिन एडजस्ट हो गई ना, उस दिन हमारे सर पे नाचेगी वो, देख लेना तुम। हाँ जी, आपको भी तो उसके माँ बाप के खिलाफ नहीं कहना चाहिए था ना। आप किसी के भी माँ बाप के खिलाफ बोलेंगे तो उसको बुरा तो लगेगा ना, गुस्सा तो आएगा। तुम बड़ी चमची बन रही हो उसकी है। अच्छा ये रोटियां मैं डाल देती। रहने दो रहने दो, मेरे काम का दिन है, मैं काम कर लूंगी। जब खाना बन जाएगा ना तो महारानियों को बुला लूंगी कि आ जाइए, अगर मेरी बुराइयां खत्म कर लियो तो आगे खाना टोस ले। मुझसे क्यों नाराज हो रही हैं आप? क्यों ना नाराज हो तुमसे? जब भी कोई ऐसा वक्त आता है तुम मिसनी बन जाती हो, सुमुन बुकमुन उम्यून। अरे कुछ कह नहीं सकती थी उसको कि बड़ी भाभी बिल्कुल ठीक कह रही है, तुम्हें बर्तन धो के रखने चाहिए थे। मैं कुछ बोलती तो उसको तो यही महसूस होता ना कि हम दोनों उसके खिलाफ हो गए। अब थोड़ा सा तो वक्त देना, हो जाएंगे, समझ जाएगी सब। चलो चलो जाओ यहाँ से, मजीद दिमाग खराब नहीं करो मेरा। हो जाएगी सही। बड़ी आई, उसकी तरफदारी नहीं खत्म हो रही। मुझे तो लगता है दोनों मिलके जो ना मेरे साथ खेल खेलेंगी अब चलाक औरतें। हम नहीं बना रहे खाना भाई। अब वो आर्टिकल नंबर C20 के हो गए 800 रुपए और J40 के हो गए 900 रुपए। ठीक, और बाकी का हिसाब किताब तो मैंने कर लिया। ओहो काम हो रहा है। अबे तुम कहां से आ गए? यार यहीं पास में इंटरव्यू देने आया था, सोचा चक्कर लगा लो। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम सलाम बेटा, जीते रहो। कैसा रहा तुम्हारा इंटरव्यू? अंकल बहुत अच्छा रहा, बस दुआ करें इस कंपनी में जॉब हो जाए। इंशाल्लाह हो जाएगी जॉब, अल्लाह पे भरोसा रखो। देखो हजरत अली ने फरमाया है कि रिस्क इंसान के पीछे ऐसे भागता है जैसे मौत। अच्छा बेटा जेबू वासिफ, मैं जरा नमाज पढ़ने जा रहा हूँ। जेबू तुम ऐसा करो कि अशफाक को कह के ना जेबू तुम लोग अपने लिए चाय मंगवा लो। अली तुम यहाँ जूते देख लो, जो जूता पसंद आए वो तुम रख लो, ये मेरी तरफ से तोहफा है तुम्हारे लिए। अरे नहीं नहीं अंकल, इसकी क्या जरूरत है? बस बेटा शराफत से जूता रख लो, वरना वही जूता तुम्हारे ऊपर चल जाएगा, समझे? चलो शाबाश, जूता पसंद करो। तुम तो कह रहे थे तुम्हारे अबू बड़े सख्त हैं। यार बिल्कुल भी ऐसे नहीं भाई, अभी काफी चेंज हो गया, पहले बहुत सख्त होते थे। मैं और वली तो इनके आते ही टीवी बंद करके बूथ खोल के बैठ जाते थे। अब वो की एक ही पॉलिसी थी, खिलाओ सोने के निवाले और देखो शेर की आंख। कभी देखो अब्बू को गुस्से में, हमारी तो सिटी गुम हो जाती है। नहीं भाई। अच्छा खैर तुम इंटरव्यू कहाँ देने आए थे? यार ये ब्रेन ब्रदर्स नाम की कंपनी मल्टीनेशनल है, दुआ कर जॉब हो जाए यार। हो जाएगा, चीता है हमारा। तुम्हारा वैसे सही है यार, माशाल्लाह से शादी भी हो गई, काम पे भी लग गए, हमारी तरह यूं नौकरी के लिए धक्के नहीं खाते फिर रहे। किसने तुम्हें कहा मैं सही हूँ? मुझे कोफ्त होती है यहाँ। यार मैंने इसलिए एमबीए किया था कि यहाँ लोगों को जूते पहनाऊंगा मैं। फिर भी वासिफ अपना काम अपना होता है, किसी की नौकरी करने से लाख दर्जे बेहतर होता है। खैर छोड़ो इस बात को। अशफाक भाई जी, दो कप चाय लेकर आना यार। खैर ये बताओ रिजल्ट कब आ रहा है? अभी आजम सर से मुलाकात हुई थी, कह रहे थे शायद वीकेंड तक आ जाएगा। जीपी वाला चली? जीपी है कहाँ बता रहे हैं, वो कह रहे हैं एंड में ही देखना, बस अभी ये बताया कि सब पास है। और वो कैसे है ब्रामीन? उसकी कंडीशन वैसे ही है, स्टिल इन कोमा।
तुम बता रहे थे उसके अबू अमेरिका लेके जा रहे। प्रोसेस तो चल रहा है, देखो क्या हुआ वासिफ। पता नहीं यार, जब भी रामीन पे सोचता हूं मुझे गिल्ट होती है। एक ही ख्याल आता है कि रामीन की हालत का जिम्मेदार मैं हूं। खुद को जिम्मेदार मत ठहरो, जो होना होता है वो होके रहता है, अपने आप को कसूरवार मत समझो। कितना समझाया था उसे, कितना बोला था, मगर वो सुनती नहीं थी। क्या कर सकते हैं यार, जो चीजें हमारे हाथ में नहीं है उनके लिए खुद को ब्लेम नहीं कर सकते। यशवाक चाय लेने गया, पाय लेने गया। मैं बोलता हूँ यशवाक, अल्लाह ताला तुम्हें सदा सुहागन रखे बेटी, हमेशा खुश रहो, आबाद। अब्बू ये क्या, आप रोएंगे तो फिर मैं भी रोऊंगी। अल्लाह ना करे कि तुम्हारी आंखों में आंसू आए, हमेशा मुस्कुराती रहो। ये लो तुम्हारे बाबा ने आंसू पोंछ दिए, अब ठीक है। फरहत आओ खाना खा लो। भाभी भूख नहीं है मुझे, नहीं खाऊंगी खाना। खाने से कैसी लड़ाई भला, चलो आओ शाबाश। भाभी कहा ना नहीं खाना खाना तो नहीं खाना। अच्छा साथ आकर बैठ ही जाओ वरना अम्मी को बुरा लगेगा। जिसको जो बुरा लगता है ना लगने दे। अज़रा भाभी ने अब्बू के बारे में क्या क्या नहीं बोला, उनके हाथ का खाना तो मैं कम से कम नहीं खाने वाली हूँ। भूख लगेगी खुद बना के खा लूंगी, पर उनके हाथ का खाना कुछ नहीं खाऊंगी। समझती हैं खुद को। देखो फरहत, हम जॉइंट फैमिली में रहते हैं, ये लड़ाई ना तो पहली बार हुई है ना आखिरी बार, इसलिए बेहतर है कि तुम बात को ना यहीं खत्म कर दो। तुम्हें देवरानी नहीं अपनी छोटी बहन समझकर समझा रही हो। अगर तुम ऐसा करोगी ना तो अज़रा भाभी को बिल्कुल सही साबित करोगी। भाभी मैंने कह दिया ना कि मैं खाना नहीं खाऊंगी तो नहीं खाऊंगी। क्या समझती हैं अपने आप को अज़रा भाभी।